ओम शांति। 10/7/2024 मधुर संतान गण, एबे सतप्रधान होई घर को जीवा को हेबो। सेथिपाई निज को आत्मा मन करी निरंतर बाबा को मन पकाइबार अभ्यास कर। सदा सर्वदा निजर उन्नतिर चिंता कर। प्रश्न, पाठ पढ़ारे दिन को दिन आग को बढ़ुच बा पछ को जाउछ, तार चिन्ह कौन? उत्तर, पाठ पढ़ारे जदि आग को बढ़ुथिब तबे हल्का अर्थात निश्चिंततार अनुभव करिब। बुद्धिरे रहिब जे एही शरीर त छिछि बा तम प्रधान अटे, एहा को छाड़िबा को हेबो। मते त एबे घर को जिबा को हेबो, सेथिपाई दैवी गुण धारण करि चली। जदि पछ को हटुथिबे तबे चाली चलणी रे आसुरी गुण देखाथिब। बाबा चालीबा बोलीबा समय रे बाबांकर स्मृति रहिबो नाही, सेमाने फूल भळी होई समस्तंको सुख दे परिबे नाही। एही भळी पिला मानको आग को गले साक्षात्कार हेबो, पुणी बहुत दंड भोगिबाकु पड़िबो। ओम शांति। बुद्धि रे चिंतन रहु जे आमे सत्तो प्रधान अवस्था रे आसीथिले, आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानको बुझाउछंती, एठारे समस्ते बसिछंती, किंतु केही देह अभिमानी होई बसिछंती, ताउ केही देही अभिमानी होइथिबे, केही केही गोटिए सेकेंड रे देह अभिमान हेउछंती, त पुणी अन्य सेकेंड रे देही अभिमानी हेउछंती। एबळी त केही कहि पारिबे नै जे आमे पूरा सम देही अभिमानी होई बसुछु। ना, बाबा बुझाउछंती केबे केबे देही अभिमानी त केबे केबे देह अभिमानी हेउथिबे। एबे तुम्हें पिला माने जानिछ जे आमे एही शरीर त्याग करी निज घर को जीवा, तेबे बहुत खुशी रे जीवा को हेबो। सारा दिन एही चिंतन करुछंती आमे शांतिधाम को जीवु, कारण बाबा आमको मार्गदर्शन कराइले। तेबे अन्य सत्संग रे मनुष्य माने एभली विचार नहीं बसु नथिबे, एही शिक्षा अन्य काहाकु भी मिलि नथाय, तेणु एभली विचार मध्य सेमानंक भितरे आसिबो नाही। तुम्हें बुझुछ यह हूँ सुख दुखधाम। एवं बाबा एठाक आसी सुखधाम को जीवार रास्ता देखाउछंती। जेते अधिक बाबा को मन पकाइब संपूर्ण हो यथाजोग्य शांतिधाम को जीव, यह ही मुक्ति कहा जाए। जहाँपाई ही लोक मैंने गुरु करिथांती, किंतु मनुष्य मानक बिल्कुल जाना ना कि मुक्ति जीवन मुक्ति जिनस कौन, कारण यह हूँ नुआ कथा। तुम्हें एबे बुझी पारुछ जे एबे आमको घर को जीवा को हेबो। बाबा कहुछंती बाबांको स्मृतिर आधार पवित्र हुआ। तुम्हें प्रथमे जेते बले एठा को आसिलो सेते बले श्रेष्ठाचारी दुनिया को आसिथिलो, तुम्हें सतप्रधान थिलो, आत्मा सतप्रधान थिला, अन्य कहा सहित संबंध त परे होइथाय, गर्भ को जीवा परे संबंध तयारी होइथाय। तुम्हे जानुछ यह आमर अंतिम जन्म, आम को घर को फेरबा को हेबो, किंतु पवित्र हेबा बिना आमे जाई परिबा नाही। निज सहित एभली अंतर मनरे वार्तालाप करबा आवश्यक, कारण बाबा निर्देश देउछंती बसिबा उठिबा चलिबा बुलिबा समय बुद्धि रे एही चिंतन रहू कि आमे सतप्रधान होई आसीथिलु, एबे पुनर सतप्रधान होई घर को जीवु। बाबा को मन पकाइबा द्वारा ही सत्वप्रधान हो पार, कारण बाबा ही होछंती पतित पावन। आम मान को उपाय बताउछंती जे तुम्हें यही पवित्र हो पार, यह सृष्टि आदि मध्य अंतकृत बाबा जानिछंती, आउ तो कहीं अधिकारी नहांती। बाबा ही मनुष्य सृष्ट बीज रूप अटंती, भक्त केते दिन चालुची ताहा मध्य बाबा बुझाउछंती, भक्ति केते दिन चलुछि ताहा मध्य बाबा बुझाउछंती। एते सम ज्ञान मार्ग एते सम भक्ति, एही समस्त ज्ञान अंतर मने रहिबा दरकार। जेपरी बाबांक आत्मार ज्ञान रहिछे सेहीपरी तुमर आत्मार ज्ञान मध्य अछि। शरीर माध्यम रे शुणुछंती एवं सुणाउछंती, शरीर बिना त आत्मा कथा कहि पारिबो नाही, एथिरे प्रेरणा बा आकाशवाणी रो किछि कथा नाही। जेहेतु भगवान वाच शब्द रही, तेणु निश्चित रूप से मुख आवश्यक,
रथ आवश्यक, गध घोड़ा युक्त रथर आवश्यकता नहीं। तुम्हें माने मध्य पूर्वर भावुल जे कलिजुग एवं आहुरी 40,000 वर्ष चलिबो, एबे तुम्हें माने अज्ञान निद्रा रे सोई जाइथिल, एबे बाबा जागृत करुछंती, तुम्हें मध्य अज्ञानता रे थिल, एबे ज्ञान मिलला, भक्ति को ही अज्ञानता कहा जाए। तुम्हानको विचार करिबा दरकार जे आमे निजर उन्नति किपरि करिबु, उच्च पद किपरि पाइबु, निज घर को जाई नुआ राजधानी को आसी उच्च पद पाइबु, सेथिपाई आवश्यक बाबांकर स्मृति। तेणु निश्चित रूप से निजक आत्मा भाविबा को हेबो, आम समस्त आत्मांकर पिता परमात्मा अटंती, यह तो बहुत सहज कथा, किंतु मनुष्य माने एत्ते सहज कथा मध्य बुझी पारु नाहंती। तुम्हें आत्मा मानक बुझाई पारिबो जे हेउची रावण राज्य, तेणु तुमर बुद्धि भ्रष्टाचारी हो जाइछि। मनुष्य भावुछंती जे विकारग्रस्त नुहंती से ही पवित्र से जेपरी मनुष्य माने अटंती। बाबा कहुछंती जे से तो अल्प काल पई पावन हेउछंती, किंतु तथापि दुनिया तो पतित ना, पवित्र दुनिया हेउची सत्ययुग, पतित दुनिया रे सत्ययुग भली पवित्र केही होई परबे नाही। सेठारे रावण राज्य ही नाही, विकार कथा ही नाही, तेणु चक्कर लगाउथिबा समय रे बा बुलिबा चलिबा समय रे बुद्धि रे ही चिंतन रहिबा आवश्यक। बाबांक भीतर ही ज्ञान रहिछि ना, से ज्ञानर सागर, तेणु निश्चित रूप से ज्ञानर चिंतन चलिबो। तुम्हें मध्य ज्ञान सागरंक ठारु बाहरी थिबा ज्ञान नदी, बाबा तो सदा सागर ही अटंती, किंतु तुम्हें सदा सागर नुहे। तुम्हें पिला माने बुझुछ आम समस्त भाई भाई अटु, तुम्हें पिला माने पाठ पढ़ुछ, वास्तव में नदी आदि किसी कथा ही ना। नदी कहिबा द्वारा गंगा जमुना आदि को भाभी नेउछंती, तुम्हें एबे बेहदर उपस्थित अछ। आमे समस्ते आत्मा माने ए पितांकर संतान भाई भाई अटु, एबे आमको घर को फेरिबा को हेबो, जेउठारु आसी ए सरूप सिंहासने विराजमान होइछु, आत्मार बहुत सूक्ष्म साक्षात्कार हेले मध्य बुझी पारिबा नाही। आत्मा सर त्याग करिबा समय रे कहिथांती मस्तक बाखि बा मुख बाट दे आत्मा चलीगला, मुख खोली जाए थाए, आत्मा सर त्याग करी देबा परे शरीर जड़ हो जाए थाए। यह हूँ ज्ञान, जेपरी विद्यार्थी मानक बुद्धि सारा दिन ज्ञान ही रही थाए, तुम मानक भितर मध्य सारा दिन पाठपढ़ा विचार करिबा आवश्यक। भल भल छात्र मानक हाथ में सर्वदा कौन सा कौन सी बही रही थाए, पढ़वार लग रही था। बाबा कहते यह तुम अंतिम जन्म, सारा चक्र परिक्रमा करिबे अंतिम समय रे आसी पहुँची छ, तेणु बुद्धि रे एक कथा सर्वदा स्मरण रहिबा उचित, एसबू कथा निजे धारण करी अन्य मानको मध्य बुझाइबा उचित। कहा कहार तो आदौ धारणा हेउ ही नाही, स्कूल रे मध्य छात्र माने क्रमानुसार रही थांती, अनेक प्रकार विषय वस्तु रही थाए, सेठार तो हेउछि गोटिए विषय वस्तु, देवता हेबाकु पड़िबो, तेणु सर्वदा ही पाठ पढ़ार चिंतन चलिबा आवश्यक। एमिति नुहे पाठपढ़ा को भूली जीव, बाकी अन्य सब चिंतन चलुथिबो, जदि व्यवसायी होइथिबो तबे निजर व्यवसाय चिंतन रे ही बुड़ी रहिबे, किंतु विद्यार्थी माने निजर पाठपढ़ा रे ही लागि रही थांती। तुम मानको मध्य निजर पाठपढ़ा रे लागि रहिबाकु हेबो। काली अंतर्जातीय योग सम्मेलन पई एक निमंत्रण पत्र आसीथिला, तुम्हें ताकु लिखि पारिबो जे एहा तुमर हटजोग, एहार लक्ष्य उद्देश्य कौन, यहाद्वारा कौन उपकार हेउछि। आमे राजजोगर शिक्षा करुछु, परमपिता परमात्मा जे कि ज्ञानर सागर, से सृष्टि रचयिता आमको निजर एवं रचनार ज्ञान सुनाउछंती। एबे आमको घर को फेरिबा को हेबो, मनमना भव एहा हेउछि तुमर मंत्र। आमे बाबांकु मध्य बाबांक द्वारा जो संपत्ति मिलुछि ताकु मने पकाउछु, तुम्हें जो हटजोग आदि करसुछ तार लक्ष्य उद्देश्य कौन, आम तो जहाँ शिखुच से विषय जनइलु, एवं तुमर यही हटजोग कौन प्राप्ति होतर संक्षेपर लिखा हेब। यही निमंत्रण तो तुम पाखक बहुत आसुची, तो सर्वभारतीय धर्म सम्मेलन तरफ जदि तुमको निमंत्रण आसब एवं से मैंने पचारे जे तुम लक्ष्य उद्देश्य कौन, तेब कह आमे एही राजजोग शिक्षा करुछु, निज विषय निश्चित रूपे कहिबा आवश्यक, कारण तुम्हें श्रेष्ठ राजजोग शिखुछ,
को आम यही पाठपढ़ा पढ़ुचु आमर शिक्षादाता स्वयं भगवान अटंती तुम्हें सब भाई भाई आम निजक आत्मा निश्चय करुचु। अविनाशी पिता कहते निजक आत्मा भावी मत मन पकाओ तेब तुम पाप नाश होब यही लेखा सब बहुत भल भाव छपाई रख पुणी जो सब स्थान सम्मेलन आदि होठाक पठाई दि तेब से कहे एम तो बहुत लाभदायी कायदार शिक्षा ग्रहण करजोग द्वारा राजा मान राजा विश्वर मालिक होती प्रति 5000 वर्ष पर आम देवता हो पुणी मनुष्य होभली भाव विचार सगर मंथन कर बहुत सुंदर लेखा छपाइवा दरकार से माने तुम लक्ष्य उद्देश्य पचारि पारती तुम्हें तेणु तुम्हें ए सब छपाई कर रखिदि जे यह हमर लक्ष्य एवं उद्देश्य यही लिखा द्वारा तर प्रलोभन आसव सेठे कौन से हट्टोग शास्त्रवाद करार कथा ना से शास्त्रार्थ करते अहंकार होता है से निजक शास्त्र विशारद बोली भावुंट बास्तव में से तो पूजारी अटंती अधिकारी तो पूज्य आत्मा मान पूजारी को कौन कह सब कथा स्पष्ट रूपे लिखा दरकार जे आम कौन शिखुचु ब्रह्मा कुमार कुमारी मानकर नाम तो एते प्रसिद्ध होगला जोग तो दुई प्रकार अटे गोटे है हटजोग अन्यटी है सहज जोग राजजोग कौन सी मनुष्य तो शिखाई पारना राजजोग तो एकमात्र परमात्मा ही शिखाई पारे बाकी सबू है अनेक प्रकार जोग जहाँकि मनुष्य मत उपर आधारित सेठार देवता मान को कहार मतर आवश्यकता ना कारण बाबा संपत्ति ने सर्वदेवता अर्थात दैवी गुणधारी जहाँ कौन सी आसुरी गुण न थाए एठार देवता मान राज्य पुणी ताहा कुआडे गला 84 जन्म किपर नेले सीढ़ी चित्र संबंध में बुझाइबा दरकार सीढ़ी चित्र बहुत उपयोगी जो कथा तुम मन अच्छी से सब होची सीढ़ी रे सबकि शिक्षा उपर निर्भर करे पाठपढ़ा होची राजजोग पाठपढ़ा होची रोजगार उत्स यह होची सबुठारु श्रेष्ठ पाठपढ़ा द बेस्ट दुनिया जानिना कि द बेस्ट होची पाठपढ़ा यह शिक्षा द्वारा आम मनुष्य देवता दुई मुकुटधारी होचे एबे तुम्हें दुई मुकुटधारी हेबार पुरुषार्थ करुछ पाठपढ़ा तो गोटे पुणी सेठारे किए कौन होती तो किए कौन आश्चर्य कथा ना यही गोटे शिक्षा द्वारा राजधानी स्थापना हो जाऊ राजा होती पुणी भिकारी होती बाकी सेठारे दुखर कौन सी कथा ही न थाए अनेक प्रकार पदवी रही थाए ना एठारे तो अनेक प्रकार दुख रही मरुड़ी बीमारी पुणी शस्य आदि मिलूना बन्या आदि हो जदि लक्षपति कोटिपति सब अच्छा किंतु जन्म तो विकार ही नहीं धक्का हेबा मशा कामुड़ा यह सब दुख अटे यह नाम ही हूँ रौरव नर्क तथा कहते अमुक स्वर्ग को गले आरे स्वर्ग तो आसुची पुणी के ही स्वर्ग को गले किपरि एसब कथा क्या बुझाइबा बहुत सहज एबे बाबा यही प्रबंध लेखिबापाई कहिछंती लेखिबा पिला मानंकर काम धारणा थिले निश्चित लेखिबे मुख्य कथा पिला मानंकु बुझाउछंती जे निजक आत्मा मने कर एबे घर को फेरी जिबा को हेबो आमे जेतेबेले सत्व प्रधान थिले सेतेबेले खुशीर पाराबार नथिला एबे तम प्रधान होइ जाइछु या केते सहज कथा पॉइंट तो बाबा बहुत सुनाउछंती तेनु भल भाव बुझाइबा आवश्यक जदि न मानिले तेबे जना पड़ीबो जे ये आम कूलर नुहंती प्रतिदिन पाठ पढ़ा रे आग को बढ़िबा दरकार पछ को हटिबार नाही दैवी गुण परिवर्ते आसुरी गुण धारण करिबा एहा तो पछ को हटिजिबा होइगला ना बाबा कहुचंती विकार को परित्याग कर दैवी गुण धारण कर तेबे बहुत हल्का रहिबा को हेबो एही छिछि सर को त्याग करिबा को हेबो आम को तेब घर को जीवा को हेबा बाबा को मन न पकाइले फूल भली सुंदर हो पारना बहुत दंड भोग आग को गले तुमको सबकि साक्षात्कार हे पचारे तुम्हें क्यों सेवा करमें केवे कोर्ट को जाइना बाबा सबकि देखुंट यही लोक मैंने चोर
चोर को धरुछंती पुणी केस चलुची ठीक सेही बळी सेठारे मध्य तुमको साक्षात्कार कराइबे दंड भोग करी पुणी पाई पैसा कर पद पाइबे शिक्षक को दया आसुची जेहा पिला फेल होई जिवो बाबा को मने पकाइबार विषय वस्तु सबुठारु भलो शिक्षक को दया आसुची जेही पिला फेल होई जिवे बाबा को मने पकाइबार विषय वस्तु सबुठारु भलो यहाद्वारा पाप धोई हो जाए बाबा आम को पढ़ाऊंती चलवा बुलवा समय मध्य कथा को स्मरण करने आवश्यक जेपर शिक्षक को छात्र मन पकाई पाठपढ़ा बुद्धि थाए शिक्षक निश्चित बुद्धिजुगत रहा एक बुद्धि रहा आवश्यक जे आम सब भाई मान शिक्षक जड़े से हेले सुप्रीम शिक्षक आग कले बहुत को जना पड़ जे अह प्रभु तेरी लीला महिमा करी प्राणत्याग करे किंतु किछि भी पाई परिबे नहीं देह अभिमान आसीबा द्वारा ही ओलटा कर्म करी थांती देही अभिमान हेबा द्वारा भल काम करिवे बाबा कहउचंती एबे तुमर वानप्रस्थ अवस्था होई गलाणी घर को फेरिबा को हेबो हिसाब किताब चुक्त करी समस्त को जीवा को हेबो तुमे चाह बा न चाह निश्चित जीवा को पड़िबो एपरि समय आसीबो जेतेबेले ई दुनिया बहुत परिमाण रे खाली होई जीवो केवल भारत ही रहिबो अधाकल्प केवल भारत ही रहिबो तबे दुनिया केते खाली होई जीवो तुम मानक व्यतीत एभली विचार कहार बुद्धि रे आसु नाही पुणी तुमर त केही शत्रु मध्य रहिबे नाही शत्रु काहीं के आसी थांती धन नेबा पई भारत को एते मुसलमान एवं अंग्रेज आसले काहीं की धन संपत्ति को देखी से समय धन संपत्ति बहुत थिला एबे नाही तेणु एबे केही आसु नहंती धन संपत्ति नहीं खाली करी देले अन्य मनुष्य माने कथा जानी नहंती बाबा कहउचंती ड्रामार नियम अनुसाई तुम्हें निजे ही निजर सब धन संपत्ति शेष करी देल तुमको निश्चय अच्छे जे आमे अविनाशी बाबा पाख को आसीचु एक केबे कहा विचारे मध्य आसीबो नाही कि यह ईश्वरीय परिवार अटे अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते धारणा पाई मुख्य सारांश एक नंबर चलवा बुलवा समय बुद्धि पाठ पढ़ार चिंतन करने को हेबो जे कौन से कार्य करूथिले मध्ये बुद्धि रे सर्वदा ज्ञानर चिंतन मंथन चली थाउ एहाय सर्वश्रेष्ठ पाठपढ़ा अटे जहाँ को पढ़ी दि मुकुटधारी हेबाको पड़िबो दुई नंबर अभ्यास करिबाको हेबो जे आमे आत्मा भाई भाई अटु देह अभिमान आसीबा द्वारा उलटा काम होई जाय थाए सेथिपाई जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबाको हेबो वरदान सत्यतार शक्ति द्वारा सर्वदा खुशी रे नाचुथिबा शक्तिशाली महान आत्मा हुओ कथार छि सच तो बिठो नच अर्थात सत्य पथरे चालुथिबा व्यक्ति सर्वदा खुशी रे नाचुथाय सत्यतार शक्ति रे संपन्न आत्मा सर्वदा नाचुथाय केबे झाउली जाय नै दुंदरे पड़े नै भयभीत हुए नै किंबा दुर्बल मध्य हुए नै से सर्वदा खुशी रे नाचुथाय शक्तिशाली मध्य होइथाय ता भितर सम्मुखीन करिवार शक्ति मध्य थाए तार सत्यता केबे भी हलचल हुए नाही अचल रही थाए कुहा जाए सत्यतार ना नाब टळमळ हुए किंतु बुड़ीबो नाही तेणु सत्यतार शक्ति को धारण करिवार आत्मा ही महान अटे स्लोगान व्यस्त मनबुद्धि को गोटे सेकेंड रे स्टॉप करदेवा ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास अटे अच्छा ओम शांति।